गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 1 से 3 अगस्त तक भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। देखें इस बारे में क्या बोले सीनियर साइंटिस्ट परवेश सरवैया। हम लोग यहाँ पे नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन जो लास्ट ईयर 23 अगस्त 2023 को जो हमारा चंद्रयान 3 जो चंद्र के ऊपर उनकी साउथ पोल पे जो हमने लैंड किया उसके सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन लगवाया और इसके लिए हम लोग VSSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के अहमदाबाद सेंटर से हम लोग आए हैं एंड इट इज़ अंडर द गुड गाइडेंस ऑफ आवर डायरेक्टर श्री NM देसाई एंड डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ इसरो DOS। ये जो हमारा एग्जीबिशन जो यहाँ लग रहा है वो एक्चुअली जो स्टूडेंट्स है जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे और जो है इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं उन बच्चों को इसरो के बारे में हम जानकारी देने के लिए आए हैं। शुरू से लेके जब हमारा इसरो का जो फाउंडेशन हुआ वहाँ से शुरू करके आज की तारीख का चंद्रयान 3 आदित्य L1 तक के जो भी हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने किए हम कैसे किए और आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बच्चों को ज्ञात करेंगे। ये जो एग्जीबिशन जो हमारा है वो आज हमने यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लगाया है और जो हमारा पूरा एग्जीबिशन जो है उसके अंदर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी साथ में मिला के चलते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे 2 दिन के लिए और उसके बाद में वो पूरा का पूरा 3 दिन तक जो एग्जीबिशन चलता रहेगा वहाँ तक वही लोग उनको समझाएंगे और जहाँ पे जो विजिटर्स या किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ हम साइंटिस्ट लोग जाके उनको आंसर करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जीबिशन है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे ही विजिटर्स कोई भी आएंगे कोई स्कूली बच्चे या इंजीनियरिंग कॉलेज से या कहीं से भी तो पहले हम उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे हमारी जो इसरो की है वो। उसके बाद में हमारे जो साइंटिस्ट है वो ब्रीफिंग देंगे कि भाई इसरो का पूरा जो हिस्ट्री है उसके बारे में। उनके बाद में जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा वहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के एग्जिबिट्स लेके रखेंगे जिसमें पूरे पैनल बोर्ड्स होंगे अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स होंगे और वो उनके बारे में उनको जानकारी देंगे। तो सभी मॉडल्स हम अप टू चंद्रयान 3 तक के पैनल बोर्ड्स वगैरह हम वहाँ रखेंगे। यहाँ पे जो मेनली ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो लोग उनको समझाते रहेंगे और जहाँ ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में क्योंकि आजकल के बच्चे हमसे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंटरनेट का भी उनको वो रहता है तो हम लोग उसके बाद में उनके जो भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है उनको सॉल्व करने के लिए हम साइंटिस्ट में से कोई वहाँ पे रहेगा और बच्चों को उसके बारे में ज्ञान देगा। और उसके बाद में जो हमारा तीसरा जो सेक्शन है वो है हमारा स्पेस ऑन व्हील बस जिसके अंदर हम सैटेलाइट्स के मॉडल लॉन्चिंग व्हीकल के मॉडल और हमारा लॉन्चिंग पैड जो है उसका मॉडल हम उनको दिखाएंगे। और उसके बाद में जो चौथा हमारा रहेगा जो स्पेशली बच्चों को बहुत खुशी देने वाला वो वाटर रॉकेट लॉन्चिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम उसको लाइव डेमो देंगे बच्चों को कि रॉकेट कैसे ऊपर जाता है और उनके बारे में उसकी थियरी वगैरह बच्चों को समझाएंगे। और हमारे इसरो में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जहाँ पे हमारे जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे नॉलेज ही चाहिए। तो हम सभी को बोलेंगे बिटिया को खास करके बोलेंगे कि आप पढ़ो पढ़ के आप ऐसा नाम कमाओ कि जो हमारे देश में से जो कल्पना चावला और जो गए हैं उसकी जगह वो ले और ना कि US की धरती से जाए। हम ये चाहेंगे जो भारत की धरती से वो स्पेस में जाए। सर हमारा एक ओपन एक वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी स्कूल कोई जो भी है वो एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे वो जो क्यू में आते रहते हैं उस हिसाब से इनका चयन हुआ कि भाई इनका करीबन 1-1.5 साल से एप्लीकेशन पड़ा था और हम इस साइड पे आ रहे थे तो वी हैव आस्क्ड देम कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है वेदर इट इज़ अ लाइव यू वांट टू कंटिन्यू
दिस इज ईयर सो वी हैव कंडक्टेड ओवर ईयर, मतलब यहाँ पे कोई यहाँ हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ। अभी जो हम मंडावर में जा रहे हैं वो तो बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उनका भी एप्लीकेशन था लाइन में, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो हम वो करते रहे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमारा, तो उसके अंदर आप जाएंगे तो उसमें VSSE विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन है, तो उसमें सब कुछ पूरा डिटेलिंग है, हमारा ईमेल आईडी भी है, हमारा फ़ोन नंबर, तो वहाँ से आप कॉल करेगा। क्योंकि हर दिन में करीबन मेरे ख्याल से 4,000 से 5,000 बच्चे यहाँ आएंगे, तो सुबह से उनको हम पूरा का पूरा ये दिखाएंगे, हमारा जो एग्जीबिशन मैंने अभी जैसे आपको बताया जो 4 सेक्शन में वो हमने बांटा है, तो एक स्कूल जो आती है उसको पूरा देखने में करीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो क्या करेंगे हम स्विच ओवर करते जाएंगे, पहले वो जैसे ब्रीफिंग सेशन और डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, वो जैसे एग्जीबिशन में जाएंगे तो हम दूसरे लोगों को वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह में ले लेंगे, तो वन बाय वन वो चलते रहेंगे क्यू में। तो 4 सेशन बताया आपने, 4 सेशन में क्या क्या है सब डिटेल में? हाँ, जैसे कि पहला सेशन है उसमें हम एक डॉक्यूमेंट्री बताते हैं कि जिसमें थोड़ा मतलब कैसे वो सैटेलाइट का लॉन्चिंग, ये वो जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो। उसके बाद में हम कोई साइंटिस्ट जाके ब्रीफिंग देंगे कि भाई इसरो की स्थापना यहाँ से हुई, हमने ये किया, ये सैटेलाइट्स होते हैं, ये काम करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है तो उसका वर्क क्या है, रिमोट सेंसिंग है तो उसका वर्क क्या है, जैसे हमारा नेविगेशन है तो उसके लिए हम बताते हैं, फिर इंटरप्लेनेटरी मिशंस, फिर हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल है जैसे PSLV का क्या काम है, वो कैसे करता है, GSLV क्या है, वो सब हम उनको बताते हैं। दूसरा जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम विक्रम, हमारे जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्होंने इनकी स्थापना की, उनके जीवन चरित्र का शुरू करके हमारे कितने कितने सेंटर्स है, फिर हम कहाँ से शुरू किया था, जैसे आर्यभट्ट से शुरू किया था, तो वहाँ से वन बाय वन सब मॉडल्स और उसके पैनल बोर्ड रखेंगे टिल चंद्रयान 3।